वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम सो एक्साइटेड टू टेल यू ऑल कि इंस्टा पे मेरा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है। काफ़ी टाइम से मुझे बताना था आप लोग को, बट 5-6 दिन से मेरी और दिशा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वायरल हुआ था हम दोनों को, बट आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आप लोग से ये पूरी जो कुछ हुआ इस दिन में मैं आप लोग से शेयर करूँ। और 11th of Feb मेरा अकाउंट फाइनली वेरीफाई हो चुका था। 10th की रात को दिशांक ने सारा जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है वो सारा डाला था। मुझे लगा कि होगा तो है नहीं, क्योंकि मैं 2 से 3 बार ट्राई कर चुकी थी वेरीफाई करने के लिए, बट हुआ नहीं था। तो सारे अकाउंट में जो भी डिटेल्स चाहिए थी वो सारी डाली। एंड नेक्स्ट डे 11th की मॉर्निंग जब मैं 8 बजे उठी तो मैंने देखा कि वेरीफाई हो रखा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग भी अपना अकाउंट वेरीफाई करा सकते हो, खुद से कर सकते हो। इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है कराने की, किसी भी एजेंसी या किसी के भी थ्रू आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो अपने आप ही किया था। बट पहले मैं पूरा रिएक्शन दिखाऊंगी सबका। उठते ही मैंने सबको 8 बजे कॉल मिला के, वीडियो कॉल करके सबको बताया है। एंड उसमें वॉइस नहीं है, सबकी रिएक्शंस मैंने दिखाई है। तो इसके बाद आप एंजॉय करिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप भी कैसे कर सकते हो। हाथ से काटो ये, मैं इस पे काटना नहीं चाह रही। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी जर्नी इंस्टाग्राम में स्टार्ट की थी 18 जून में स्टार्ट की थी। मैंने जस्ट जनरली ऐसे एक पेज बना दिया था। मैंने सोचा, मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था, तो मैं सिर्फ वही पिक्स डालती थी जो मैं क्लिक करती थी अपने कैमरे से। एंड उसके बाद धीरे धीरे क्रेज़ आता गया। मुझे काफ़ी टाइम लगा यहाँ तक आने के लिए, काफ़ी मेहनत लगी। मुझे लगभग 5 साल हो चुके हैं इसमें। सो कईयों ने मुझसे पूछा है कि आपके फॉलोअर्स कैसे बढ़ते हैं या कुछ। मेरे फॉलोअर्स बढ़ते हैं लेकिन कम भी उतने ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस बढ़ते ही रहते हैं, एक फेज़ भी आता है जब आपके फॉलोअर्स एकदम कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। पहली चीज़ है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, ये नहीं कि आप महीने में 1-2 बार पोस्ट कर दिया तो हो गया। बीच में जब रील्स नहीं थे तो पोस्ट ज़्यादा चलती थी, IGTV ज़्यादा चलता था, तो आप वो ज़्यादा करो तो ज़्यादा चलता था, नहीं करो तो आपके फॉलोअर्स नहीं आएंगे। फिर आया ट्रेंड बीच में रील्स का, तो लोग तब भी पोस्ट ही कर रहे थे, रील्स नहीं कर रहे थे। तो मैंने इसमें किया कि मैं क्यों ना रील्स ही बना के डालूँ। पोस्ट मैंने बहुत कम कर दिए थे, पोस्ट में लाइक भी नहीं आते थे। पहले मेरे 5-6 हज़ार चले जाते थे लाइक पर पोस्ट, बट अब तो 1000 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा चलते ही नहीं है अब इंस्टा पे। सो रील पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, मेरे काफ़ी वायरल हुए। शादी के टाइम पे मेरे 1-2 मिलियन नहीं बल्कि 30 मिलियन तक मेरे व्यूज़ गए हैं। तो मेरा काफ़ी वायरल हो गया था, उसके वजह से मेरे फॉलोअर्स आने स्टार्ट हुए। क्योंकि अब मैं बताती हूँ कि 2 साल पहले मैंने अप्लाई करने की कोशिश की थी। ज़रूरी नहीं है कि आपको 60,000 या 100K फॉलोअर्स ही चाहिए ब्लू टिक के लिए। 10K इज सफिशियंट। उसके बाद आपका अगर सब कुछ क्राइटेरिया है, डिस्क्रिप्शन में सारे अवेलेबल हैं आपके पास पॉइंट, तो आपका ब्लू टिक मिल जाएगा। सो मैं बताती हूँ आपको कि क्या क्या चाहिए होता है
कैसे आप अपने आप कर सकते हो। मैंने 3 बार अप्लाई किया है, 3rd time हो गया था मेरा। 1st and 2nd time मैंने अप्लाई किया था तो हुआ नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग ने मेरे में मिथ डाल दिया था कि आपको फेसबुक अकाउंट होना, पेज होना चाहिए एंड उसमें इतने लाइक्स या सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, आपके पास ट्विटर अकाउंट होना चाहिए, हैंडल जिसमें ब्लू टिक होना चाहिए, उसके बाद ही आपको इंस्टा पे मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास ट्विटर है ना फेसबुक पेज है, बट उसमें 600 मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई है, लाइक्स हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं है, मैं उसको देखती भी नहीं हूँ। एंड सिर्फ इंस्टा पे ध्यान दो आप, उससे भी आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। कईयों ने ये भी बोला है कि आपने किसी के थ्रू करवाया है, किसी एजेंसी के थ्रू या किसी के थ्रू, आई डोंट नो। तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने किसी के थ्रू भी नहीं करवाया, मैंने खुद से करवाया है, मेरे हस्बैंड ने किया है। एंड 1st 2nd time मैंने किया था तो मुझे लगा होगा तो है नहीं। तो 3rd time दिशांग ने बोला मैं करके देखता हूँ एक बार, तो मैंने बोला ठीक है कर लो। तो उन्होंने सारी जो जो उसमें ऑप्शंस, जो भी डिस्क्रिप्शन मांगा था सारा लिखा, ज़्यादा नहीं मांगते हैं, थोड़ा ही है, मैं आपको भी दिखाऊंगी कैसे करना है, सारा प्रोसीजर मैं आपको साइड में बता दूंगी। सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको जाना है अकाउंट पे, अकाउंट पे जाने के बाद आप नीचे आओगे, आपको आएगा रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन, उसके बाद आप पे एक ये पूरा अप्लाई फॉर इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन करके लिखा आ जाएगा। ये मैंने अपने दूसरे अकाउंट से खोला है जिसमें आई थिंक 100 फॉलोअर्स हैं। सो अब ऐसे बताती हूँ कि क्या क्या चीज़। सबसे पहले स्टेप 1 है कंफर्म ऑथेंटिसिटी। सो इसमें पहले मांगा है यूज़र नेम, इसमें पहले से डला हुआ है जो आपने खोला होगा, उसी से उसी का यूज़र नेम आपको डालना है। उसके बाद है आपका पूरा नाम, फिर आता है डॉक्यूमेंट टाइप। आप इसमें जैसे नेक्स्ट करोगे आपके पास 5 ऑप्शंस खुल जाएंगे, इनमें से आप कोई भी एक फ़ोटो खींच के आप इसमें डाल सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, टेक्स्ट फाइलिंग है एंड रीसेंट यूटिलिटी बिल है। आप इसमें से कोई भी एक डाल सकते हो और उसको अपलोड कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड है कंफर्म नोटेबिलिटी, इसमें है कैटेगरी, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपका क्या किस चीज़ में है, फैशन, एंटरटेनमेंट, गेमर, ग्लोबल बिजनेस, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, न्यूज़, इसमें से आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद है कंट्री, आपको इंडिया डालना है, जो भी डालें आप डाल सकते हो। फिर है थर्ड ऑप्शन की ऑडियंस ऑप्शनल, इसमें डिस्क्राइब करना है कि आपको कौन फॉलो करता है, आपके क्या इंटरेस्ट है, किस चीज़ में आप बनाते हो, ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो तो बेटा पॉइंट है, 2 ऑप्शन दिए हैं, आप इसमें डाल दो। उसके बाद लिंक्स, नेक्स्ट आता है लिंक्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शनल दिया हुआ है बट प्लस पॉइंट होगा, ज़्यादा चांसेस होंगे आपके ब्लू टिक के लिए। इसमें जो भी लिंक है, टाइप मांगा है कौन सा टाइप का है एंड URL मांगा है, इसमें आपका कोई भी आर्टिकल, या जैसे मेरे बहुत सारे वायरल हुए थे तो मेरा आर्टिकल आया था सोशल मीडिया पे, तो मैंने वही लिंक सारे डाल दिए थे। आप पे जितने भी हों इसमें ऐड करते रहेंगे तो आई थिंक 5 मैक्सिमम आप डाल सकते हो, मैंने 5 डाले थे जहाँ जहाँ पे मेरा लिंक आया था, एंड उसके बाद मैंने जस्ट सबमिट कर दिया था, दैट्स इट। आपको इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है, एंड अगर सब कुछ सही होगा तो नेक्स्ट डे आपका वेरीफाई हो जाएगा, एंड अगर नहीं होगा कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 2 बार ट्राई कर सकते हो, 3 बार ट्राई कर सकते हो, ऐसे नहीं, आप कितने बार भी ट्राई कर सकते हो वेरिफिकेशन के लिए। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, एंड प्लीज़ मुझे फॉलो करना मत भूलना इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।